पिता, इस वक्त में ठीक अभी से 7 मिनट पहले सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पहुंचने के बाद तफ्तीश में जुट चुकी है। मैं दिखाना चाहूंगा जो घटनास्थल पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे मौके पे मौजूद है और इसके साथ ही जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर इस टीम में 2 महिला अधिकारी भी हैं, सीबीआई की जो महिला अधिकारी भी हैं, जिसमें कि सीमा पाहुआ वो हैं जो शिमला गैंगरेप मामला जो था उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करता है और वो इस मामले में पूरे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब सीबीआई की टीम घटनास्थल यानी कि आप जो कार देख रही हैं ठीक इसके दूसरे साइड में जो खेत है उस खेत में गई है और उस खेत में जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो घटनास्थल है जिस स्थान पर पीड़िता के साथ में वहां पर दुष्कर्म करने की बात आई, जिस जगह पर उसके साथ में मारपीट की गई, उस जगह पर जाकर वहां पर मुआयना किया जा रहा है। मुआयना किस तरह से किया जाएगा कि वहां पर पहले सबसे पहले घटनास्थल पर जाकर वहां जांचा जाएगा कि जिस स्थान पर मारपीट की गई क्या अभी भी वहां पर कोई खून की बूंदे जो है वो तो नहीं पड़ी है या वो अनुमान लगाने की कोशिश किया जाएगा। हालांकि घटनास्थल की बात करें, घटनास्थल तो वहां पर काफी वो डिस्ट्रॉय किया जा चुका है क्योंकि वहां पर काफी लोग जा चुके हैं, काफी चाहे मीडिया की बात करें या आम लोगों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से उसको घेरा नहीं गया था, उस पर वो घेराबंदी नहीं बनाई गई थी। आज जो घेराबंदी देख रहे हैं आप ये आज की गई है तो कहीं ना कहीं उस जगह पर जो घटनास्थल है, घटनास्थल पर जो एक जो सबूतों के साथ छेड़खानी कहते हैं वो पहले हो चुकी है, लेकिन उस जगह से भी सीबीआई की सीएफएसएल लैब किस तरह से बकायदा उसके लैब के जो अधिकारी हैं किस तरह से वहां से नमूनों को एकत्रित करते हैं, किस तरह से उसको फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करके इस मामले को तफ्तीश किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर सीबीआई की तकरीबन 15 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची है और इस टीम में 2 महिला अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को देख रही हैं और सीबीआई की जो गाजियाबाद की यूनिट है जानकारी वो यहाँ पे पहुंची कि क्या रिक्रिएशन की बातें सामने आ रही थी, क्या आज रिक्रिएशन भी होगा क्राइम सीन का? निश्चित तौर पे यहाँ पर पिता उस क्राइम लोकेशन को रिक्रिएट भी किया जाएगा जो स्थान है। मैं एक आपको डेमो बताना चाहूँगा कि देखिए ये खेत है, इस खेत में जिस रास्ते से होते हुए वहाँ पर पीड़िता को लेकर गए थे ठीक इसी तरह से बकायदा वहाँ पर डेमो किया जाएगा और ठीक सड़क के हम दूसरे साइड में हैं और दूसरे साइड में दिखाएं कि वो जो लोकेशन है इस जगह पे बकायदा वहाँ पर डेमो किया जाएगा। जो सबसे पहले जो क्राइम लोकेशंस होंगे, क्राइम लोकेशंस पे पहुँच करके सीबीआई की टीम उसका पहले वो घेराबंदी करेगी जो प्रॉपर स्थान है। हालांकि प्रॉपर स्थान पर वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार ग्रामीण आ रहे थे, खेत में वहाँ पर कटाई हो रही थी, जो बाजरे की खेत कटाई है वो हो रही थी, तो वहाँ पर जो क्राइम लोकेशंस हैं वहाँ पर काफ़ी जो एक कहा जा सकता है कि वो लोकेशंस के साथ में वहाँ पर काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर काफ़ी जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो वहाँ पर नष्ट हो चुके हैं। लेकिन सीबीआई की जो विशेषज्ञता है उसकी जो एक्सपर्टीज है वो इसी बात को लेकर है कि इस ऐसे मामलों में भी वहाँ पर से नमूनों को खंगाल लेती है, जो इकट्ठा कर सकती है और उसके बाद उसको जांचती है, परखती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीबीआई इस तरह के स्पेशल क्राइम के मामलों को सॉल्व करने के लिए विशेषज्ञ तौर पर जानता है।